बाकी बिहारी जी प्लीज इस कुछ कीजिए, मोहन को यहाँ से निकालना होगा। राधा की हालत बहुत खराब है, अगर मोहन यहाँ से नहीं निकला तो फिर राधा को कैसे बचा पाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। ये इंस्पेक्टर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मोहन को छोड़ क्यों नहीं रहा है? जितनी देर रोकना था ना मोहन को रोक ली। मामा जी से बात करनी होगी मुझे। बोलो दामिनी। हेलो मामा जी। अरे मैंने आपसे कहा था मोहन को पुलिस स्टेशन में रोक के रखने के लिए, ताकि वो राधा तक ना पहुंच पाए, उसे पिटवाने के लिए नहीं। मुझे उस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई वो कुत्ता मारने की? देखिए आप अभी के अभी उसे कहिए कि मोहन को छोड़ दे। दामिनी तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे? मोहन ने हमारी बहुत ही बेइज्जती की थी, हम उसका बदला लेकर ही रहेंगे। बहुत मारा था उसने हमें, अब हम उसे इतना पिटवाएंगे कि जीने के लायक ही नहीं रहेगा वो। पर मामा जी ये हमारे डील नहीं थे, आप क्या? राधा मैं आ रहा हूं, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारना राधा, मैं आ रहा हूं। टाइम हो गया मामा। किस चीज का टाइम? रात के 3 बज रहे हैं। राधा को कोल्ड स्टोरेज में जाए हुए 8 घंटे से ऊपर हो गए, तो जो रही सही जान भी उसमें बची होगी ना वो भी खत्म हो गई होगी। भूषण मामा ने जो रायता फैलाया है ना उसको सुधारने का टाइम आ गया है, पर अब तो क्या करने वाली है? मैं मोहन को बचाऊंगी, और ये जो बेवकूफों का खानदान है ना उनका भरोसा फिर से जीतूंगी। इन सबको मुझ पर शक हो गया मामा, और ये मेरे प्लान के लिए सही नहीं है। ये माँ बेटी क्या कुसुर पुसुर कर रही है, कोई नई चाल तो नहीं चल रही है? एक्सक्यूज मी सर, वो आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी थी प्राइवेट में। किस किस से बात करूं मैं? पहले मोहन आया, फिर उसकी बहन आई, फिर उसकी माँ आई, और अब तुम आ रही हो। फोन भूषण मामा ने भेजा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।